नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तो यूपी कैबिनेट का होगा विस्तार, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कल 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आपको बता दें कि कई नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, तो कई स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनके काम से खुश होकर उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो योगी कैबिनेट का पहला विस्तार जो है वो होने जा रहा है, और सुबह 11 बजे राजभवन में 12 से ज्यादा नए चेहरे जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो विस्तार के बाद मंत्रियों की जो संख्या है वो 43 से 60 हो सकती है। तो सोमवार को कैबिनेट विस्तार को टाल दिया गया था, और अब योगी कैबिनेट का जो विस्तार है वो होने जा रहा है, और मंत्रियों की जो संख्या है वो 43 से 60 हो सकती है। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की जो संभावित मंत्री हैं, एमएलसी अशोक कटारिया, विद्यासागर सोनकर जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो उदयभान सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं, तो नीलिमा कटियार, पंकज सिंह, संजीव राजा जो है उनको मंत्री बनाया जा सकता है, आशीष पटेल, दल बहादुर कोरी भी मंत्रियों की संभावित लिस्ट में शामिल है। तो महेंद्र सिंह, सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये वो मंत्री हैं जिनको काम से खुश होकर प्रमोट किया जा सकता है। तो उपेंद्र तिवारी, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो योगी कैबिनेट का जो विस्तार है वो होने जा रहा है, और कल 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।